क्या एक महिला जिसके एक पैर में रॉड है और दूसरा पैर आर्टिफिशियल है वो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर जाकर तिरंगा लहरा सकती है? मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। आज मैं इसी नारी शक्ति की इंस्पिरेशनल कहानी को आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको हमारे इस देश की प्रेरणादायी और जांबाज महिला से इंस्पिरेशन मिलती है या कुछ सीखने को मिलता है, देन प्लीज इस नारी शक्ति की इंस्पिरेशनल कहानी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अरुणिमा सिन्हा, इनका आज ही के दिन यानी 28 जुलाई 1988 को उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ था। अरुणिमा फुटबॉल और वॉलीबॉल नेशनल चैंपियनशिप थी। दिन था 11 अप्रैल 2011, जब अरुणिमा कुछ काम से ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। कुछ समय बाद ट्रेन में कुछ बदमाशों का ध्यान अरुणिमा के गले में जो सोने की चेन थी उस पर गया। बदमाश गुंडे अरुणिमा के गले से चेन को चुराते, उससे पहले ही अरुणिमा ने बदमाशों की पिटाई शुरू कर दी। आश्चर्य की बात यह थी कि उस ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए पैसेंजर्स अरुणिमा को ऐसे देख रहे थे कि जैसे अन्याय के विरुद्ध लड़ना पाप है, जिसके कारण एक भी व्यक्ति अरुणिमा का साथ देने आगे नहीं आया। आखिरकार उन बदमाशों की सहन शक्ति खत्म हो गई। रात के घने अंधेरे में बदमाशों ने अरुणिमा के दोनों हाथ और पैरों को पकड़कर अरुणिमा को चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से अरुणिमा दो ट्रेनों के रूट के बीच गिर गई। जैसे ही अरुणिमा अपने पैरों को रेलवे रूट से हटाती, उससे पहले ही एक ट्रेन उनके पैरों पर से निकल गई। उस रात अरुणिमा 7 घंटों से भी ज्यादा समय तक उस ट्रेन की पटरियों पर पड़ी रही और तब तक लगभग 49 ट्रेन अरुणिमा के पैरों पर से जा चुके थे, जिसकी वजह से अरुणिमा के एक पैर के घुटने के नीचे की सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई और दूसरा पैर भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जब सुबह हुई तब वहाँ रेलवे सफाई कर्मचारी आए और अरुणिमा की अवस्था देख वो डर गए, जिसके बाद वो अरुणिमा को बरेली गांव के हॉस्पिटल में लेके गए। उस हॉस्पिटल में ना ही अरुणिमा को बेहोश करने के लिए दवाई थी और ना ही पर्याप्त खून था। अरुणिमा ने डॉक्टरों से कहा कि अब सुविधा उपलब्ध नहीं है तो बेहोशी की दवाई दिए बिना ही मेरा एक पैर काट दो। डॉक्टर और नर्सेज ने खुद का एक एक यूनिट ब्लड अरुणिमा को दिया और अरुणिमा के सामने ही पैर काट दिया। जैसे ही मीडिया के द्वारा ये बात गवर्नमेंट को पता चली, वैसे ही अरुणिमा को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में लाया गया। अरुणिमा एक नेशनल प्लेयर होने के कारण उन्हें उच्च दर्जा की सुविधा मिली, लेकिन मीडिया में अरुणिमा के बारे में एक प्रकार से झूठी खबरें हो रही थी। अरुणिमा के पास टिकट ना होने के कारण वो ट्रेन से कूद गई। यहाँ से तो अरुणिमा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, इस प्रकार की खबरें हो रही थी। अरुणिमा लगभग 4 महीने एम्स में रहने के बाद उनके शारीरिक जख्मों पर मलम पट्टी हुई थी। अरुणिमा और उनके परिवार के सदस्य लोगों को सच्चाई क्या है जोर जोर से बता रहे थे, लेकिन एक भी व्यक्ति उस सच्चाई को नहीं सुन रहा था। उसी समय जब अरुणिमा हॉस्पिटल के बेड पर थी, अरुणिमा ने दृढ़ संकल्प लिया कि मैं एक दिन माउंट एवरेस्ट के शिखर पर जाकर दिखाऊंगी। आप सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ एक सोच की विकलांगता हैंडीकैप आदमी यहाँ से होता है, यहाँ से नहीं। अगर यहाँ से जो आदमी विकलांग है तो नॉर्मल आदमी भी विकलांग है जो अगर यहाँ से विकलांग है। एक झटके में अरुणिमा का शरीर अपंग हो गया, लेकिन उसका मन थोड़ी अपंग था। लोग अरुणिमा के इस दृढ़ संकल्प पर हंस रहे थे, लेकिन अरुणिमा का परिवार अरुणिमा के साथ खड़ा था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद अरुणिमा सिर्फ 2 दिन में खड़ी हुई। अरुणिमा का एक पैर आर्टिफिशियल था और दूसरे पैर में रॉड था। इसी अवस्था में अरुणिमा और उनके भाई साहब बचेंद्री पाल जी के पास पहुंचे। बचेंद्री पाल पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर गई थी। बचेंद्री पाल ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अरुणिमा के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लक्ष्य का आदर किया। बचेंद्री पाल ने अरुणिमा से कहा, अरुणिमा आप अपने अंदर के एवरेस्ट को तो पार कर चुकी हो, अब आपको एवरेस्ट पार करना है सिर्फ खुद को सिद्ध करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि आप कौन है। जिसके बाद अरुणिमा की कड़ी मेहनत शुरू हो गई। जब भी अरुणिमा ट्रेनिंग करती थी तब उनका आर्टिफिशियल पैर निकल जाता था, जिसकी वजह से उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अरुणिमा रुकी नहीं, वो मेहनत करती रही। अरुणिमा के पैरों की हालत देख उनके साथ शेरपा आने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन अरुणिमा के परिवार ने शेरपा को समझाया, जिसके बाद शेरपा अरुणिमा के साथ माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए तैयार हो गया। प्रत्येक पर्वतारोही को माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने से पहले 4 बेस कैंप करने पड़ते हैं। कैंप 4 पर पहुंचने के बाद एवरेस्ट का शिखर 3,500 फुट पर है, लेकिन ज्यादा पर्वतारोही की मृत्यु इसी कैंप के ऊपर होती है, इसीलिए इसे डेड जोन कहा जाता है। कैंप 4 तक पहुंचने से पहले अरुणिमा हर बार सबसे आगे रहती थी, इतनी आगे कि लोग पूछते थे कि मैडम हर बार आप हमसे आगे रहते हो, आखिर खाते क्या हो भाई। अरुणिमा ने जब डेड जोन की चढ़ाई शुरू की तब जिधर देखो उधर सिर्फ लाशों का ढेर था और अकड़ाने वाली ठंड। 21 मई 2013 वो दिन था जब अरुणिमा आखिरी का टप्पा चढ़ने लगी। तभी शेरपा अरुणिमा से कहने लगा कि
अरुणिमा आपका ऑक्सीजन का साटा बहुत कम है, अभी नीचे वापस चलो, तुम फिर कभी एवरेस्ट पर चढ़ना। लेकिन अरुणिमा ने कहा नाउ और नेवर, और आखिरकार अरुणिमा माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गई और अरुणिमा ने भारतीय ध्वज माउंट एवरेस्ट के शिखर पर लहराया। अरुणिमा ने शेरपा से कहा कि इस ऐतिहासिक क्षण को कैमरे में कैद कर लो। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अब अरुणिमा माउंट एवरेस्ट से नीचे उतरने लगी, लेकिन 40 से 50 कदमों पर ही अरुणिमा का ऑक्सीजन खत्म हो गया। जब अरुणिमा को श्वास लेने में तकलीफ होने लगी, उसी टाइम पर एक ब्रिटिश व्यक्ति ने ऑक्सीजन सिलेंडर फेंक दिया। मेरा मानना है कि लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। अरुणिमा का शेरपा जल्दी से गया और वो ऑक्सीजन सिलेंडर अरुणिमा को ला कर दिया, जिसके कारण अरुणिमा धीरे धीरे डेड जोन से सही सलामत नीचे आई और इस प्रकार से अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट के शिखर पर जाकर तिरंगा लहराया और जिंदा वापस आई। लेकिन इसके बाद अरुणिमा यहाँ पर ही नहीं रुकी। अरुणिमा अब तक 7 कॉन्टिनेंट के 7 सबसे बड़े पर्वतों पर जा चुकी है। अरुणिमा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अरुणिमा हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। कई लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों से ही जीवन में हार मान लेते हैं। अरुणिमा हमें बताती है अगर हमारे अंदर जीतने का जज्बा हो, जीतने का जुनून हो, तो हम कितने भी बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। एंड आई प्राउड टू से दैट अरुणिमा इज द रीजन व्हाई वी लव भारत। जय हिंद।